हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के लगातार बढ़ते स्ट्रेस लेवल सहित अन्य बीमारियों के दृष्टिगत यमुनानगर में मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया ताकि समय रहते कर्मचारियों में आने वाले संभावित बीमारी का पता चल सके। इस कैंप में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल, जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया की अगुवाई में विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हुए, जिन्होंने पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की बारीकी से जांच पड़ताल की। कर्मचारियों को आ रही बीमारी एवं संभावित बीमारियों के मद्देनजर अब ये सारा रिकॉर्ड एक हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में तैयार किया जाएगा। पुलिस के ऐसे सभी कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे जिनकी कोई बीमारी की हिस्ट्री है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि पुलिस कर्मचारियों की सेहत महत्वपूर्ण है। पुलिस कर्मचारी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, जिसके चलते उन्हें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। स्ट्रेस लेवल अन्य विभागीय कर्मचारियों से ज्यादा रहता है। इस दौरान पुलिस कर्मचारी रूटीन चेकअप भी नहीं करवा पाते। इसी को लेकर हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया ताकि कोई प्राइमरी स्तर पर बीमारी सामने आई तो उसका समय रहते इलाज हो सके। वहीं जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इस चेकअप कैंप में पुलिस कर्मचारियों की सभी तरह के टेस्ट किए जाएंगे, उनका रिकॉर्ड कर हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों के टेस्ट भी दिए जाएंगे। एसपी साहब के विशेष अनुरोध पर हमने जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं पुलिस विभाग के, खासतौर पर पुलिस कांस्टेबल और ऊपर के सभी अधिकारी, उनका विशेष मेडिकल चेकअप कैंप यहाँ हमने पुलिस लाइन में ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हम सभी के हेल्थ कार्ड भी बना रहे हैं तो ताकि उनका एक विस्तृत रिकॉर्ड रखा जा सके, कोई किसी भी फॉलोअप पे भी उनको बाद में फिर जो अगर कोई किसी चीज़ की आवश्यकता लगती है तो हमारी जो टीम है वो सिविल हॉस्पिटल में भी उनकी जांच कर सकती है। तो एक किस्म से एक कोशिश है कि सभी जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ काम कर रहे हैं उनका एक स्वास्थ्य का ट्रैक बन जाए, उनका एक रिकॉर्ड बन जाए और एक हेल्थ कार्ड उनको दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे आज जिस जो पुलिसकर्मी यहाँ हैं उनमें से काफ़ियों के हम कोविड के रैंडम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ जो हमारी टीम आई हुई है वो जो उनकी काउंसलिंग भी स्वास्थ्य संबंधी विषयों के ऊपर की जाएगी। देखिए, पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी जो सेहत है वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब तक पुलिस कर्मचारी स्वस्थ नहीं होगा वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाएगा। और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पुलिसकर्मी हमारे थानों में तैनात हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो ताकि वो अच्छे से समाज की सेवा कर सकें। और क्योंकि देखने में आया है कि पुलिस के जो कर्मचारी है वो समय नहीं दे पाते अपनी हेल्थ के लिए, रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं हो पाती, वॉक नहीं हो पाती, खाना पीना भी थोड़ा सा अनटाइमली कई बार हो जाता है, और जो स्ट्रेस लेवल है पुलिस के कर्मचारियों का वो भी आम जो दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं उनसे अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो एक ये भी बात है कि काफ़ी कर्मचारी ना सिर्फ अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पाते हैं बल्कि वो जो अपना रूटीन हेल्थ चेकअप है वो भी नहीं करवा पाते हैं। तो इसलिए जैसा सीनियर अधिकारियों से भी समय समय पर हिदायतें मिलती रहती है तो आज हमने ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है। पुलिस कर्मचारियों में अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा स्ट्रेस लेवल अधिक होता है क्योंकि उनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। ऐसे में पुलिस कर्मचारी कई तकलीफों का शिकार हो जाते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए इस तरह के मेडिकल चेकअप आयोजित किए जाने लगे हैं ताकि समय रहते बीमारी का पता चल सके और उसका इलाज किया जा सके।